हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ टीवी यूनिट का कुछ सामान लेने के लिए गाइस। और वहां से सामान लेके आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, घर पे कोई नहीं था तो मुझे रुकना पड़ा। और सारा काम अभी भी चल रहा है, दुकान का काम, दुकान में भी काम और प्लस घर का काम। तो आज तो बहुत ज्यादा थक गए भाई, और उन्होंने भी ओवर क्या बोलते हैं ओवर टाइम किया है। यस, ओवर टाइम किया है उन्होंने भी। तो अभी गए हैं, अभी बज रहा 8 o'clock। तो बस जा रही हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। एंड बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का, बट क्या करें, ये है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो बनाने जा रही हूँ राजमा चावल रोटी। हेलो गाइस, और अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं आ गई हूँ सामान लेने कल की तरह। तो जो भी चीज़ें कम हुई हैं, जैसे कुछ चेंज होना है, कुछ लेना था तो वो अभी ले लिया। बहुत तेज़ भूख लगी है, अभी हो रहा है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। तो हम लोगों ने सोचा कुछ बाहर से अभी ले लेते हैं फिर घर चल के। तो मैंने चीज़ें बना के रख दी हैं, फिर वो खाती हूँ चल के। और घर पर मम्मी पापा भी है, नाशा भी है, उनके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी को बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी है तो उसने जाके अभी ले रहा है। और सारे सामान है, आज देखिए शायद कंप्लीट हो जाए। चलिए फिर मिलती हूँ आपके घर पहुँच के। The next morning. तो आज है नेक्स्ट डे एंड आज है 31st। तो हम सुबह सुबह आ गए हैं मंदिर में। यस, तो मैं यहाँ अक्सर आया करती हूँ और ये है बृहस्पति देव का मंदिर। तो आप भी दर्शन कर लीजिए शिवलिंग के, क्योंकि आज है सोमवार और ये रहे बृहस्पति भगवान, जिनकी मैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। एंड अभी है 31st की नाइट और हम आ गए हैं एक रेस्टोरेंट। एक्चुअली बच्चे बहुत जिद कर रहे थे कि कहीं बाहर चलें, तो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते अचानक से हम यहाँ पे आ गए। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और गैदरिंग भी अच्छी थी, लेकिन फैमिली थोड़ी कम थी, बट कोई नहीं। चलिए दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पे कैसा लगा हम लोग को और हमने कैसे न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ड्रिंक पी हमने एंड बहुत ही अच्छा डिश था यहाँ पे। सॉन्ग काफ़ी अच्छे चल रहे थे। ये था मेरा जो मैंने न्यू ईयर में पहना हुआ है और इसका वीडियो ऑलरेडी गेट रेडी विद मी पड़ा हुआ है, आप जाकर। एक्चुअली आज मेरा कहीं भी बाहर निकलने का मन नहीं था, क्योंकि मैं जाने जा रही थी हस्बैंड के पास, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जब मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो बच्चे ज़बरदस्ती मुझे लेके आ गए, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था तो ज़बरदस्ती ये लोग मुझे लगा जब आ गए हैं तो चलो इंजॉय ही कर लेते हैं। तो क्योंकि जो एम्बियंस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड रश था, बट जो यहाँ के ओनर थे उन्होंने हमें पर्सनल हमारे बाउंसर्स हमारे लिए खड़े कर दिए थे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बॉयज़ का क्राउड ज़्यादा था उस बेस पे। उन्होंने हमारे पास पर्सनल दो बाउंसर्स रखे हुए थे तो थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर लिया। फिर हम लोग ज़्यादा देर यहाँ रुके नहीं।
मुझे लगा अगर आ गए हैं तो अच्छे से एंजॉय कर ही लेते हैं, और काफी एंजॉय किया मैंने और नाशा ने, अभी ने, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मूड भी चेंज हो गया एंड यहाँ का म्यूजिक मैं नहीं डाल सकती हूँ एंड इसीलिए पूरा वीडियो मुझे म्यूजिक लगाना पड़ेगा। और नाशा ये देखिए, आ गए घर और ये रहा मेरा नियर लुक। तो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, तो प्लीज जरूर से जरूर चेक करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि ये मेरा नियर लुक कैसा लगा आपको। हेलो गाइस, और अभी हम लोग सारे लोग पार्टी करके आ गए और अभी हो रहा है 11 o'clock एंड अभी हम लोग को वेट करना है नियर के लिए। तब तक हम सोच रहे थोड़ी सी रील्स वगैरह बना ले, तो अभी थोड़ी सी रील्स वगैरह एक दो रील्स बनाई है और वेट कर रहे हैं न्यू ईयर के लिए केक कटिंग के लिए। केक लेके आ चुके हैं और अभी का टाइमिंग है ये देखिए, तो वेट हो रहा है अभी। और चलिए केक कटते हैं फिर आपको दिखाते हैं। और ये था मेरा आज का न्यू ईयर लुक, मैंने अभी पूरा लुक का भी शॉर्ट वीडियो डाला है, तो आप जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। और अभी हम लोग शॉप पर हैं, बस फोटो सेशन हो रहा है, कुछ नहीं। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज है 1 January, तो आज का न्यू ईयर सुबह से बहुत लेजी थी और न्यू ईयर कुछ इस तरह से मना घर पे ही। और अभी है शाम का समय और हम जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में, सो यहाँ नाशा यहाँ रेडी हो गई है और अभी गए हैं गिफ्ट को पैक कराने, तो गिफ्ट शॉप पे गया हुआ है। और सुबह से बस अच्छा अच्छा बनाया खाया, सो मैंने ब्लॉग नहीं किया, ब्लॉग करने का बिल्कुल ही मन नहीं था सुबह से, तो अच्छा अच्छा बनाया और शॉप पे सेलिब्रेट किया सबके साथ, तो मज़ा आई। और अभी है पार्टी में जाने के, तो मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग कर लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ, हमारे घर के ऊपर ही एक बेबी है, उसका आज 1 January का 1 साल का बर्थडे है, तो हम वहाँ जा रहे हैं
एंड गिफ्ट पैक करा के अभी आता है, फिर मैं दिखाती हूँ वेन्यू जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। एंड मैंने पहना है कुछ इस तरह का वुलन बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही कार के अंदर नहीं समझ में आ रही है, बट बाहर बहुत ठंड है, गलन है, बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हुए हैं, तो ब्लोवर चल रहा है इस समय। और ये है नाशा का लुक ब्लैक एंड वाइट। और चलिए वहाँ पहुँच के ही हम लोग आपको पूरा अपना ऑल ओवर लुक दिखाते हैं। मैंने आज बिल्कुल सिंपल सा मेकअप रखा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं, देखिए आप बिल्कुल विंटर्स वाला मेकअप किया है नाशो ने, बिल्कुल अपनी जो मैचिंग उसका ड्रेस है उसका इयर रिंग्स पहना हुआ है। सो फाइनली हम वेन्यू में पहुँच गए हैं और ये रही हमारी एंट्री। ये रहा जिसका बर्थडे है, तो ये रहा हटो नशा का बर्थडे, फर्स्ट फ्लोर आ जाओ, चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फोटो खिंचाने का मन कर रहा है, ये हम लोग की किटी हुई थी। आ जा समझ में। बेबी वो देखो, वो रहा बेबी जिसका बर्थडे है, देखो एंड कूल का है बर्थडे, ये देखो, अरे बाप रे ना मचलने लगी। केक कटिंग के बाद हमने किया थोड़ा बहुत डांस, डांस करने के बाद डिनर करा खूब अच्छे से एंड फिर हम चले गए घर। तो आज का व्लॉग बस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड ये न्यू ईयर वाला व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, बाय बाय। के बाद खाया हमने केक, किया डिनर और अब चलते हैं, ये रहा डिनर और चलते हैं घर की तरफ, घर की ओर।